हेलो बच्चों, तो हम लोग आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग सीखेंगे बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। लाइक केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्या है, वगैरह वगैरह। तो आप ये मान लो केमिकल बॉन्डिंग इज बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मीन्स इसके सारे टॉपिक आपको करने हैं जितने भी वीडियो हमने अपलोड कर रखा है। तो आज हम लोग फिलहाल स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, केमिकल बॉन्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। तो वेरी सिंपल, द फोर्स विच होल्ड्स द एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। एक मॉलिक्यूल में एटम को आपस में बांधे रखने की कैपेसिटी क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग होता है। चलो इसको राइट कर लेते हैं, द फोर्स विच होल्ड्स द एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। सेकेंड, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा केमिकल बॉन्डिंग बनने के लिए मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बच्चों बात करें, रिक्वायर्ड कितनी इलेक्ट्रॉन, मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंट्रोडक्शन की केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। इंट्रो, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या ये केमिकल बॉन्डिंग हर जगह होता है, सारे एलिमेंट के साथ होता है? नहीं, एक्सेप्ट द नोबल गैस एलिमेंट, वहां भी एक्सेप्शनल है। चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑल एलिमेंट्स फॉर्म इन बॉन्डिंग एक्सेप्ट क्या, नोबल गैस एलिमेंट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर नोबल गैस एलिमेंट केमिकल बॉन्डिंग क्यों नहीं फॉर्म करता, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती है बच्चों, 0 होता है, एक्सेप्ट द जेनॉन। बड़े कमाल का, नोबल गैस एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है यानी ईएन की वैल्यू जो होती है वो कितना होता है, 0 होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन यहां भी एक एक्सेप्शनल है, किसको छोड़ाकर, जेनॉन को छोड़ाकर। जेनॉन जो होता है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्यों करता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू होता है 2.6, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू होता है इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। वेरी सिंपल, यानी जेनॉन की अगर हम बारे में बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू कितना होता है, 2.6 होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट, फोर्थ टाइप की प्रॉब्लम यह है, केमिकल बॉन्डिंग कैसे होता है, हाउ डू एटम कंबाइन। यह एटम कंबाइन कैसे होता है। अब देखो, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो, म्यूचुअल शेयरिंग हो सकता है इलेक्ट्रॉन का क्या हो, ट्रांसफर हो। तो पॉसिबिलिटीज नंबर फर्स्ट की अगर हम बारे में बात करें तो क्या हो सकता है, बोलो, बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये एटम कैसा होगा, तो याद रखना है मेटल टू नॉन मेटल, कैसा होगा बच्चों, मेटल टू नॉन मेटल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस टाइप की बॉन्डिंग होगा यहां पे, आयोनिक बॉन्ड, या इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सेकेंड पॉसिबिलिटीज क्या है,
सेकेंड पॉसिबिलिटीज ये है कि क्या हो, दो एटम के बीच क्या हो, म्यूचुअल शेयरिंग हो, यानी बाई म्यूचुअल म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। अब ये दो एटम कैसे होंगे, ये जो दो एटम है वो कैसे होंगे, दोनों नॉन मेटल होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोनों कैसे होने चाहिए बच्चों, नॉन मेटल होना चाहिए। अगर वो नॉन मेटल है तो उसके बीच का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज क्या है, हो सकता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो, लेकिन कितने एटम, वन एटम, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाय शेयरिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वन एटम, तो इस टाइप की बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसी का नाम होता है डेटी बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलो या फिर क्या बोलो, डेटी बॉन्ड बोलो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे है, चलो इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की अगर हम बारे में बात करें, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होता क्या है, देखो सिंपल, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितने, वन एटम, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वन एटम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैसे, देखो मान लो सपोज करो ये एटम ए है, इसमें क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कोई एटम बी है, अब ये क्या करेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का यहां पे से क्या करेगा, ए से बी की ओर ट्रांसफर करेगा। ये क्या किया, ट्रांसफर किया, यानी ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए टू बी। यानी सिंपल बात है, अगर ये ट्रांसफर कर रहा है तो ये कैसा है, ये डोनर है, यानी ये डोनर है, इसका मतलब ये कैसा काम कर रहा है, लुईस बेस का काम कर रहा है। सिंपल, ये कैसा है, एक्सेप्टर है, और एक्सेप्टर है इसका मतलब ये कैसा है, लुईस एसिड। अब कैसे पता करोगे कि ये डोनर होगा और ये एक्सेप्टर होगा, तो मैंने आपको हाइड्रोजन वाले चैप्टर में पढ़ाया है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, यानी रिच फैमिली, पुअर फैमिली, मिडिल फैमिली, याद है। चलिए, मींस अब इलेक्ट्रॉन ये कैसा होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अब इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड वाली फैमिली कौन कौन है, ग्रुप नंबर 15, 16, यानी ब्लैक मनी फैमिली ऐसा बोल सकते हो, यानी ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16। इसमें क्या होता है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है जो क्या करता है, डोनेट करता है। अब बात करें एक्सेप्टर, एक्सेप्टर कौन होता है, ग्रुप नंबर 13 यानी पुअर फैमिली, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। कौन फैमिली, ग्रुप नंबर 13, यानी सिंपल, अगर कहीं ग्रुप नंबर 15, 16 का है और 13 है, तो उसके बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, देखो यहां पे सिंपल हम लोग क्या करते हैं, एरो से डिनोट कर देते हैं। इसका मतलब ये क्या है, टेल, और ये क्या है, हेड। इसका मतलब ये प्लस और ये क्या है, माइनस, बोलो क्लियर है। तो ये था कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन, एक एग्जांपल के थ्रू इसको आप समझ सकते हो। जैसे मान लो हमने फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया और बोरान ट्राइफ्लोराइड का एग्जांपल ले लेता हूं। देखो यहां पे अमोनिया, एक एग्जांपल के थ्रू समझो, अमोनिया के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि ग्रुप नंबर कहां पे है, 15 में है। मैंने आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर का वीडियो बना रखा है, उसको आप देख लो, कोई डाउट हो तो मेरे को बताओ, ठीक है। देखो इधर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 यहां रख दो। अब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की बारे में बात करें तो बोरॉन, और बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3। क्यों, ग्रुप नंबर 13 का है, तो उसमें 10 माइनस कर लो, सिंपल। अब ये क्या करेगा, देखो यहां पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इसको ट्रांसफर करेगा, तो कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा। बोलो क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है, व्हाई डू एटम कंबाइन इन
डेफिनिट फिक्स्ड रेशियो। एटम डेफिनेट फिक्स रेशियो में क्यों कंबाइन होता है? अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, आप जानते हो हीलियम एग्जिस्ट करता है बट He2 डू नॉट एग्जिस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे मान लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। क्या H3 होता है? नहीं होता। अब फिर से तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्यों, वाई क्यों? इस सारी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय दिस मेथड। दिस प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय दिस मेथड। नंबर फर्स्ट, कौन सा मेथड? कोजल लुइस अप्रोच थ्योरी। तो बात करेंगे हम लोग केएल अप्रोच थ्योरी। सेकेंड की बात करें तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। और थर्ड की अगर हम बारे में बात करें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और लास्ट एंड फोर्थ, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की टाइप्स क्या है, कितने टाइप्स के केमिकल बॉन्डिंग होते हैं। तो इसकी टाइप्स की अगर हम बारे में बात करें तो जनरली केमिकल बॉन्डिंग टू टाइप्स का होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड। लेकिन ये जो थर्ड टाइप की क्राइटेरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर नीट एंड जेईई स्टूडेंट, लाइक टिपिकल बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बैक बॉन्डिंग। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड वीक बॉन्ड। और थर्ड टाइप की जो बॉन्डिंग की हमने आपसे बात किया वो कौन सा बॉन्ड है? टिपिकल बॉन्ड। टिपिकल बॉन्ड का मतलब मैंने आपको तीन टाइप की बॉन्डिंग पढ़ा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, कौन कौन? बनाना बॉन्ड, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाना बॉन्ड एंड थर्ड इज बैक बॉन्डिंग। अब बात करते हैं सर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन कौन होता है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की अगर हम बारे में बात करें तो क्या हो सकता है? आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये किस टाइप की बॉन्डिंग होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है। अब बात करें वीक बॉन्डिंग की, तो वीक बॉन्डिंग में कौन कौन होता है? तो आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वंडरवॉल फोर्सेस। ये किस टाइप की बॉन्डिंग होती है बच्चों? वीक बॉन्डिंग होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बारे में बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का होता है। एक कैसा होता है? इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सेकेंड इज इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बात करें वंडरवॉल फोर्सेस की, तो ये भी दो टाइप्स की हम लोग बातें करेंगे यहां पे। कौन कौन? लंडन फोर्सेस और सेकेंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये बेसिकली क्या था? टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या वीक बॉन्ड है? तो इसको मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स में प्रूफ करूंगा। फिलहाल आप याद कर लो कि अगर 42 किलो जूल बाई मोल से अगर वैल्यू ज्यादा आ रहा है तो कौन सा बॉन्डिंग होगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा। अब 2 to 42 किलो जूल बाई मोल के इक्वल वैल्यू आ रहा है, उसके बीच वैल्यू आ रहा है, तो कौन सा बॉन्डिंग होगा? वीक बॉन्डिंग होगा। तो बच्चों इसको आपको याद कर लेना है, ग्रेटर देन 42 किलो जूल बाई मोल। मोर डिटेल के लिए हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में बात करेंगे। और वीक के लिए मैंने क्या बताया? 2 to 42 किलो जूल बाई मोल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चंस,
स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड होता है वो इंटर एटॉमिक होता है या इंटर मॉलिकुलर होता है, ये एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीट जेई के लिए। बताओ अगर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो कैसा बॉन्ड बनाएगा, इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिकुलर? इंटर एटॉमिक, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, इंटर एटॉमिक। नेक्स्ट अगर वीक बॉन्ड है तो कैसा बनाएगा, इंटर मॉलिकुलर, इंटर मॉलिकुलर। क्लियर है? अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी आप इसकी जो वैल्यू होता है लगभग 2 to 8 किलो जूल बाय मोल के नियर अबाउट होता है, तो आप लिख सकते हो 2 to 8 किलो जूल बाय मोल के नियर अबाउट आता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैंने आपको क्या डिस्कस किया, हाउ व्हाई व्हाट टाइप्स एंड रिक्वायर्ड, और इसका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट। अब लास्ट पार्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो सिंपल एक वर्ड में आपको याद रखना है, केमिकल बॉन्डिंग का कारण क्या है, टू मेंटेन मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये कैसे होता है, चलो एक्सप्लेन करते हैं। चलो इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यह सीखा था कि बॉन्डिंग बनाने के लिए कितने मिनिमम इलेक्ट्रॉन की चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है। चलिए हमने 2 एटम ले लिया, ये 2 एटम हमने यहां पे ले रखा है, ये एटम है और इस एटम का ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। अब इसके और इसके बीच का डिस्टेंस को हमने मान लिया आर। मान लो ये एटम ए है और ये एटम बी है, इसका नाम एनवी कर लो, न्यूक्लियस ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी। अब हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है, ये पॉजिटिव है और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, ई ए, यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है, ई बी। क्लियर है? चलो अब हम लोग ये भी जानते हैं कि सेम चार्ज के बीच क्या होता है, रिपल्सन, एंड अपोजिट चार्ज के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन। देखो यहां पे इन दोनों के बीच यानी न्यूक्लियस के बीच क्या हो रहा है, रिपल्सन, और इन दो इलेक्ट्रॉन के बीच भी क्या हो रहा है, रिपल्सन। अब एक नई फोर्सेस आपको देखने को मिल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ई ए एंड एन बी के बीच क्या हो रहा है, अट्रैक्शन, इसके बीच क्या हो रहा है, अट्रैक्शन, यहां भी अट्रैक्शन और यहां भी क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। मींस यहां पे कितने टाइप की फोर्सेस आपको देखने को मिल रहा है, 2 टाइप की फोर्सेस देखने को मिल रहा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स यानी अट्रैक्शन वाली फोर्स, कौन कौन, ई ए एंड एन बी, और क्या देखने को मिल रहा है, ई बी एंड एन ए। ये 2 टाइप की ये कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है। अब बात करें रिपल्सिव फोर्स की, रिपल्सिव फोर्स, अब रिपल्सिव फोर्स किसमें है, देखो ध्यान से, यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच Na Nb और किसके बीच, Ea एंड Eb के बीच। चलिए अब ये 2 एटम सपोज करो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो क्या इसके बीच कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, नहीं होगा। अब 2 एटम आपस में आना शुरू किए, कम क्लोजर टू ईच अदर, तो उसके बीच क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। चलो इसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये हमारा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जिसको हम लोग बॉन्ड लेंथ भी बोल देंगे। ये वाई एक्सिस में हमारा पोटेंशियल एनर्जी है और ये क्या है, सेंटर पॉइंट है, ये वाला पॉजिटिव पार्ट और ये वाला निगेटिव पार्ट, यानी यहां पे क्या होगा, रिपल्शन और यहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन। चलो हम लोगों ने क्या देखा कि 2 हमारे पास एटम है, ये और ये एटम है। अब दोनों कहां पे हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, यानी आर की वैल्यू यहां पे क्या है, इनफाइनाइट।
आर की वैल्यू कितनी बच्चों, इनफाइनाइट। अगर आर इनफाइनाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जीरो। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है बच्चों, जीरो है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर। तो ये आपने ये पढ़ रखा है। चलो अब देखो इस केस में क्या कोई अट्रैक्शन या कोई रिपल्सन होगा, नहीं होगा। तो यहां लिख लेते हम लोग, नो रिपल्सन, नो अट्रैक्शन। चलिए अब क्या हुआ, दो एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, अब वो आपस में नजदीक आना शुरू किया। सपोज करो ये दोनों एटम यहां पे आ गए, ये दोनों एटम यहां पे आ गए, यानी ये केस किसका हुआ, टचिंग का केस हो गया, यानी यहां दोनों एटम टच कर लिए। अगर दोनों एटम उन्होंने टच किया तो क्या हुआ, यहां पे इनफाइनाइट डिस्टेंस इसके बीच का रेडियस क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है। इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। सिंपल, यहां पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, रिपल्सन कम हो रहा है। मींस क्या लिखेंगे हम लोग, अट्रैक्शन बढ़ रही है, यानी मोर अट्रैक्शन एंड लेस रिपल्सन। ये बात क्लियर है। चलो अब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे देखो, ये रेडियस कहां पे था इसका, देखो इनफाइनाइट, फिर वैल्यू क्या हो रहा है, फिर वैल्यू धीरे 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 यहां पे क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, देखो कम होते चले जा रहा है। अब एक केस ऐसा आएगा, दो एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, कम क्लोजर टू इच अदर, आपस में क्या किया, टच किया। टच करने के बाद एक कंडीशन कैसा आएगा, ओवरलैप कर लेगा। तो इसकी मतलब वहां पे क्या, ओवरलैप होने के बाद और कोई कंडीशन नहीं बचती है, इसका मतलब वो कैसा हुआ, मोर स्टेबल। देखो देखते हम लोग, ये कंडीशन ऐसा कुछ होगा, थर्ड वाली जो कंडीशन होगा वो कैसा हो जाएगा, ओवरलैप कर लिया, यानी ये ओवरलैपिंग का केस हो गया। अगर ओवरलैपिंग हुआ इसके बाद फिर क्या होना शुरू हो जाएगा, रिपल्सन शुरू हो जाएगा। देखो और इसके बीच का रेडियस कम हुआ, और कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, फिर थोड़ी देर में यहां पे क्या बढ़ना शुरू हो जाएगा, रिपल्सन बढ़ना शुरू हो जाएगा, रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा। इस केस में क्या हुआ, मोर इंटर न्यूक्लियर रिपल्सन, यहां पे सबसे ज्यादा रिपल्सन है। और इस पॉइंट पे अगर आप देखो, ये वाली पॉइंट पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, मिनिमम एनर्जी, सबसे कम एनर्जी है यहां पे। और सबसे कम एनर्जी पे स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा। इसीलिए बात लिखा जाता है टू मेंटेन मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो इस पॉइंट पे क्या है बच्चों, मिनिमम एनर्जी, और इसके बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं अप्रोच डिस्टेंस। क्या बोला जाता है, अप्रोच डिस्टेंस। तो आपने क्या सीखा, इस ग्राफ से आपने क्या सीखा, कि अगर दो एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, कम क्लोजर टू ईच अदर, आपस में आ रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो रेडियस घट रहा है, और रेडियस घट रहा है इसका मतलब एनर्जी घट रहा है, और फाइनली स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। मीन्स यहां पर अगर हम लोग बातें करें तो क्या हम लोगों ने सीखा, देखो यहां पर क्या देखा हम लोगों ने, व्हेन टू एटम्स कम क्लोजर टू ईच अदर, दो एटम आपस में नजदीक आ रहे हैं, तो अट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहां पे अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब रेडियस कम हो रहा है। यहां पे रेडियस यानी बॉन्ड लेंथ कम हो रहा है, रेडियस कम हो रहा है, मींस रेडियस कम हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी यहां पे क्या हो रहा है, बताओ, एनर्जी मिनिमम हो रहा है। फाइनली अगर हम बात करें, फाइनली स्टेबिलिटी कैसी हो गई, बढ़ गई। स्टेबिलिटी क्या हुआ, बढ़ गया, यही वर्ड है वहां पे, टू मेंटेन मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। इसी को आप शॉर्टकट फॉर्म में भी लिख सकते हो, यानी अट्रैक्शन बढ़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्टेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एनर्जी। क्लियर है कॉन्सेप्ट।
अब मैं आपको दो टिप्स बताता हूं, ये कैसा हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। देखो ये किसके फॉर्म में था, एटम्स के फॉर्म में था, यहां पे क्या हुआ, बॉन्ड फॉर्म्ड हो गया। तो याद रखना है बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए मैं आप ये टिप्स है, टिप्स नंबर फर्स्ट, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसी प्रोसेस है बच्चों, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, डेल्टा एच निगेटिव, यानी इंथैल्पी चेंज जो होता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है। ये सारे डिटेल हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में बात करेंगे, यानी डेल्टा एच कैसा होता है, डेल्टा एच निगेटिव होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट टिप्स की अगर हम बारे में बात करें, टिप्स नंबर सेकेंड, याद रखना एटम्स और मॉलिक्यूल में मोर स्टेबल कौन सा होता है, मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल। देख लो ये एटम्स के फॉर्म में है, ये किसके फॉर्म में है, यहां पे फॉर्मेशन हो गया, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो सिंपल याद रखना है एटम और मॉलिक्यूल में कौन मोर स्टेबल होता है, मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल, मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन एटम। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो अब जितने भी आपने पढ़ा है इसके जो इमेज फॉर्म है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। फिलहाल आज बस इतना ही, कोई भी डाउट होता है राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके बाय।